स्वागत है शहर के ताजातरीन खबरों के साथ। मैं हूं मीरा। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। बंदा पंचायत के रहने वाले एक महिला ने कीटनाशक खाकर की अपनी ई लीला समाप्त। पति के साथ सूरत जाने की कर रही थी जिद। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले झारखंड राज्य मुफसिल लिपिक मोर्चा का हुआ जिला सम्मेलन। निम्न वर्गीय लिपिकों के स्थान पर एकीकृत शब्द प्रयोग करने की गयी मांग। और लाइंस क्लब गिरिडीह जिला के 14 क्लबों के पदाधिकारियों का स्कूलिंग सेलिब्रेशन हुआ संपन्न। फैकल्टी सदस्यों को मोमेंटो देकर किया सम्मानित। पीरटार थाना अंतर्गत बांध ग्राम पंचायत निवासी एक महिला ने कीटनाशक खाकर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। मामले को लेकर मृत महिला उर्मिला देवी के पति नरेश सिंह ने बताया कि काम के सिलसिले में वापस सूरत जाने के लिए बैग में कपड़े पैकिंग कर रहा था। उसी समय मेरी पत्नी रूम में आकर मेरे साथ चलने की जिद करने लगी। इसको लेकर हमने कई बार पत्नी से कहा कि अगली बार साथ ले जाएंगे, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं हुई और पैकिंग किया हुआ बैग फाड़ दी। मृत महिला उर्मिला देवी का एक ही जिद था कि वह भी अपने पति के साथ इसी बार बाहर जाएगी। इसी बीच नरेश सिंह सूरत अपने मालिक से फोन पर बात करने के लिए घर से बाहर चला गया। इस संबंध में नरेश सिंह ने बताया कि सूरत में जिस सेठ के अंदर काम करते हैं उनसे कॉल पर सारी बातों को बताया, जिस पर सेठ ने पत्नी को लेकर आने को कहा। इसको लेकर मुझे पैसे भी भेजे। इसी समय एक बच्चे ने कीटनाशक दवा खा लेने की सूचना उन्हें दी। दौड़े दौड़े नरेश सिंह कमरे में पहुंचा तो उनकी पत्नी बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। आनंद फानन में चिरकी उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इस बाबत मृत महिला के पति ने बताया कि यहाँ के कंपाउंडर को उल्टी होने का इंजेक्शन व इलाज करने के लिए बहुत बार विनती की, लेकिन आधा घंटा समय बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बिना इलाज किए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाने के दौरान महिला की मौत हो गई। पति का कहना है कि यदि समय पर उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज शुरू कर दिया जाता तो शायद उनकी पत्नी का जान बच सकता था। इस संबंध में लड़के की मां ने बताया कि पहले से किसी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं था। वह खेत में काम कर रही थी, घर जाने के बाद पूरा बैग फटा हुआ देखा। उन्होंने बताया कि उनकी बहू अचानक पति के साथ जाने के लिए आतुर हो गई। गौरतलब है कि मृत महिला का मायका डुमरी प्रखंड है और उसकी शादी 2015 में हुई थी। मृत महिला की एक पुत्र और एक पुत्री भी है। कपड़ा पैक कर रहे थे, कपड़ा पैक कर रहे थे, ये भी बोल रहे हम भी जाएंगे बाहर, हमको लेके चले ना तो नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। तो हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, अभी तू घर पे रहो, अबर आएंगे हम लेके जाएंगे। तो बोलती है नहीं अबर ही जाएंगे, हमको साथ में लेके चलिए। कल हम रात गाड़ी था सोमवार को धनबाद से गाड़ी पकड़ते हैं, तो बोलती है नहीं हम भी जाएंगे। तो हम बोले ठीक है रहो घर पे, बैग भी मेरा फाड़ दी, हम लोग रहो घर पे मैं आता हूँ। इतना बोल के मैं घर से बाहर निकला, स्कूल तरफ गया था बात करने के लिए सेठ से। ऐसे ऐसे बात है, सेठ मेरे पे पैसा भी भेजा, बोलता ठीक है लेके आ जाओ फैमिली, पैसा भी भेजा सेठ 20,000 रुपया, मतलब फैमिली लेके आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा यहीं पर साथ में रहेंगे। तो जब तक उधर थे मम्मी सब भी वहीं पर आके बैठ गई कि क्या बात है, तो लोग क्या हुआ, तो लोग इधर आके अनमन बैग सब फाड़ा फाड़ी हो गया है। हम बोले कुछ नहीं है, वो सब बोल रहे साथ में जाएंगे, तो उसको अगर लेके जाएंगे तो पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा ना, हमको कहाँ रखेंगे कैसे रखेंगे। तो वही सेठ से बात करने के लिए मैं इधर आया था, तब तक मालूम पड़ा कि वो लड़का जो है बोला कि नानी मतलब दवा खा ली है। तो जल्दी जल्दी गिरिडीह अपना वहाँ चिटकी लेकर आए, वहाँ पे तो हम लोग बोल रहे हैं कि इंजेक्शन भी दे दीजिए कोई उल्टी उल्टी का, कुछ नहीं दिए। उसके बाद हम लोग रेफर किया, बोलते रेफर करेंगे, रेफर किया वहीं, तो मान के चले आधा घंटा पौन घंटा वहीं पे लगा दिया, आधा घंटा लेकर आने में बस, बाकी कुछ बात लाते लाते देखते हैं एक्सपायर करके। कौन सा थाना था? पीरटार थाना। कौन सा पंचायत? बांध। आपकी वाइफ है? कब शादी हुआ था? शादी हुआ मेरा 2015 में। क्या नाम हुआ? नरेश कुमार। बस वही विवाद था और कोई विवाद? कुछ विवाद कुछ नहीं है सर, मतलब वही समझाने के लिए मैं सेठ से बात करने के लिए बाहर गए थे, उतने में ये ऐसा कांड कर लिया। कौन चले लो कपड़ा भिजा के कल मनसा पूजा हल तो कादे लटा गए कपड़ा भिजा के पोछे करे। अरे आज कहाँ जी
हाथा ऐसे पकड़ लिए ना रहो चल जी तो कुछ बात भय न तेरे लिए बगैर मैं उसका किसे कर पा रही तो अब अगर भाई हाँ वो की कहानी हाँ वो की कहानी ये जवाब ना दी जवाब ना दे तो हम बेटा कुछ चल के लिए अब की जाने के लिए जो कुछ यहाँ घर में घटना करते थे इतना तो जानकारी हम कर लो जहर खा लो मुंह से लगा कहाँ रह वाला है ना कहाँ रह वाला है घर कहाँ पीटा झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा का जिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन रविवार को सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम व्रत झा ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्न वर्ग लिपिकों के संस्थान पर एकीकृत शब्द का प्रयोग लागू करने और 11 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही नव निर्वाचित पदाधिकारियों का चयन प्रक्रिया कर सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक के लिपिक निम्न वर्ग के शब्द से मुर्माहत है। बैठक के दौरान राज्य सरकार से मांग किया गया कि निम्न वर्गीय व उच्च वर्गीय के भेद को समाप्त कर उच्च वर्गीय लिपिक अथवा सहायक पद नाम घोषित किया जाए। साथ ही ग्रैंड पेस 2400 रुपए निर्धारित किया जाए। बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य महासंघ द्वारा 11 अक्टूबर को सभी जिला स्तरीय पर ध्यान एवं 7 नवंबर को राज्य में राज्य स्तरीय प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी जिसमें राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने जिला कमेटी के पदधारकों को नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कराया जिसके बाद सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया जिसमें जिला अध्यक्ष ओम व्रत झा सचिव अवधेश कुमार यादव कोषा अध्यक्ष विशाल कुमार जिला संरक्षण विकास कुमार सिन्हा अनुप कुमार मुतेश्वर प्रसाद प्रदीप गोसाई समेत अन्य पदाधिकारी शामिल है। इस बाबत राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि निम्न वर्ग के शब्द का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार लिपिकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है इसलिए तमाम विभाग के लिपिकों ने मुफस्सिल मोर्चा बनाकर समूचे लिपिकों को आह्वान किया है कि एकजुट होकर अपने सम्मान की रक्षा करें। मौके पर तमाम विभागों के लिपिक उपस्थित थे। लेकर मुफस्सिल तक निम्न वर्गीय शब्द का प्रयोग करते हुए लिपिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, इसलिए गिरिडीह जिला के तमाम विभागों के लिपिकों ने आज मुफस्सिल लिपिक मोर्चा बनाकर और आह्वान किया है समूचे राज्य के लिपिकों को कि एकजुट होकर अपने सम्मान की रक्षा करें। बिहार में भी जब निम्न वर्ग उच्च वर्ग लिपिक का भेदभाव किया गया था तो 80 में निम्न वर्ग लिपिक शब्द हटा करके एकीकृत कर दिया गया था, इसलिए आज इस बैनर के माध्यम से हम लोगों ने राज्य सरकार से मांग किया है कि निम्न वर्ग लिपिक और उच्च वर्ग लिपिक को एकीकृत करो। और दूसरा यह कहा है कि जब बगल के दो राज्यों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने पुराना पेंशन योजना लागू करने में मात्र 15 दिन भी देरी नहीं किया, एक सप्ताह के अंदर लागू कर दिया, तो हमारे हेमंत सरकार को इतना दिन कैसे लग गया? निश्चित तौर पर इन दोनों मुद्दे पर, लेकिन विशेषकर लिपिकों ने कि आज तक किसी संवर्ग में निम्न वर्गीय नहीं है, 150 संवर्ग है राज्य सरकार के अंदर, मात्र लिपिक में निम्न वर्गीय लिपिक शब्द का प्रयोग करके अगर आज किसी चपरासी को निम्न वर्गीय चपरासी कर दिया जाए तो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा, किसी आईएएस को निम्न वर्गीय आईएएस कर दिया जाए तो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। सिर्फ लिपिक को ही निम्न वर्गीय क्यों लिखा गया, क्यों ये ग्रेड अलग किया गया? इसलिए इन मांगों को लेकर आज जिला स्तर पर यह सम्मेलन हुआ, पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ और आने वाले दिनों में बड़ा संघर्ष करेंगे। विकास सिन्हा के नेतृत्व में अवधेश यादव की अध्यक्षता में बम शंकर सिंह उपाध्यक्ष और महासंघ के जो हमारे सेनानायक है अशोक कुमार सिंह ने जो 11 अक्टूबर को महासंघ का रैली धरना है तमाम जिले में और फिर 7 नवंबर को राज्य में प्रदर्शन है, इन सारी बातों को लेकर आज हम लोगों ने बैठक में समीक्षा किया। और निश्चित तौर पर जब तक निम्न वर्ग लिपिक का यह अपमानित शब्द नहीं हटाया जाएगा, एकीकरण नहीं होगा, तब तक राज्य के कोई भी लिपिक चैन से नहीं बैठेंगे, यही आह्वान किया हम लोग यहाँ उपस्थित है। आज गिरिडीह जिला में हुआ है, इसी प्रकार 2400 जिला में आज से मेरा अभियान प्रारंभ हो गया है। 2400 जिला के लिपिकों का, सभी विभागों के लिपिकों का एकीकृत करके पूरा संगठन मोर्चा के अंतर्गत कार्य करते हुए झारखंड सरकार से आज जो पारित मांग है
उसको लागू करने के लिए बाध्य करेगा, अन्यथा उग्रतर आंदोलन पर जाने की बाध्यता होगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। 11 अक्टूबर को झारखंड के 2400 जिला में और 7 नवंबर को रांची में ये पुरजोर रैली होने जा रही है, धरना होने जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन के भी पदाधारक भाग लेंगे अतिथि के रूप में, और हमारे सभी जिला से एक एक कर्मचारी, चाहे लिपिक हो, पंचायत सचिव हो, जन सेवक हो, राजस्व कर्मचारी हो, चिकित्सा कर्मी हो, PWD कार्य विभाग के तमाम कर्मी हो, आंगनवाड़ी विभाग से कर्मी हो, ये जलसैया से कर्मी हो, सैया साथी हो, BTT हो, SPT हो, और जो प्रशिक्षक हो, तमाम DMFT हो, तमाम लोग 7 नवंबर को रांची पहुंचकर अपनी भूमिका का, अपनी वेदना का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर झारखंड सरकार इनके साथ ना इंसाफी करती है तो आने वाले समय में उग्रतर आंदोलन होगा, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की बाध्यता होगी, तो झारखंड के 1.5 लाख कर्मचारी जाने के लिए बाध्य होंगे। अब तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द तुम जब खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउटडोर कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदीलेदा गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के CMO डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं, जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़, निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगरपुर सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें,
पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रेडी। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया, सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में। गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक टॉप, नाइटी, गरारा सरारा, लहंगा चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। लाइन्स क्लब जिला 322 के रीजन बी के तमाम 14 क्लबों के अध्यक्ष, सचिव, कोषा अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का स्कूलिंग सेलिब्रेशन रविवार को शहर के सिरसिया में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन लाइन्स क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाइन के रीजन चेयरपर्सन राजेश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम का उद्घाटन जिला लाइन के पाल विवेक चौधरी के द्वारा किया गया। वहीं स्कूलिंग कार्यक्रम में फैकल्टी के रूप में लाइन के राहुल वर्मा, दिनेश पुरी, प्रकाश सिंह, दीपक उदानी, सीमा वाजपेयी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलापाल विवेक चौधरी ने बताया कि रीजन 5 के तमाम क्लब के पदाधिकारियों को उनके कार्य दायित्व तथा कार्यों का निर्वहन की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो मानव सेवा में हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाते हुए आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान क्लब अध्यक्ष को राहुल वर्मा, क्लब सेक्रेटरी को दिनेश पुरी तथा कोषा अध्यक्ष को प्रकाश सिंह ने प्रशिक्षण देने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन विकास गुप्ता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन होस्ट क्लब के अध्यक्ष धर्म प्रकाश ने किया। इस दौरान होस्ट क्लब लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा तमाम फैकल्टी सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में दुमका, देवघर, मधुपुर, बगोदर, गिरिडीह सहित कई जगहों के क्लब पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के दशरथ प्रसाद, संजय कुमार सिंह, परमजीत सिंह झाबड़ा, अमरनाथ मंडल, उदय भदानी, सौरभ महासेठ सहित कई सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। बोला कि मैं टीचर की भूमिका में जरूर हूँ, लेकिन शायद स्कूल के प्रिंसिपल आ रहे हैं। लेकिन ये जो स्कूलिंग है, डियर लायन फ्रेंड्स, दो तीन चीज मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा। जैसे हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब ने बताया, डिफरेंट रीजन्स में हम लोगों ने स्कूलिंग बहुत ही अच्छे से किया। दो स्कूलिंग बचा था, एंड आई सिंसियरली थैंक्स यू आवर रीजन चेयरमैन लैंड राजेश जी, एंड ओवर एंड अबव लैंड संजय जी, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिन्होंने आगे बढ़ करके इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया अपने टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से गिरिडीह एलीट इसे होस्ट कर रहा है, आने वाले समय में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड की और बड़ा से बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो। डिस्ट्रिक्ट 322 है, रीजन 5 का आज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड ऑफिसर्स का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। इस सेशन को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने होस्ट किया है। इस क्लब में आज हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो 322 है के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विवेक चौधरी जी हैं, इसके अलावा लायन दीपक उदानी जी हैं, लायन सीमा वाजपेयी जी हैं, और सारे फैकल्टी मेंबर जो हमारे आज के हैं वो सभी काफ़ी काबिल हैं। और आज 14 क्लब के सदस्यों को
उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ड्यूटीज के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ सोशल एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए क्लब विभिन्न क्लब का, इस पर भी आज का सेशन में फोकस दिया जाएगा। जिला 322 ए जिसे पूरा झारखंड और आधा से ज़्यादा बिहार कवर करता है, उसका मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, और एक रीजन 5 जो कि मधुपुर, दुमका, इसरी, डुमरी, देवघर, गिरिडीह, ये सब मिला के 7 क्लब हैं। 7 क्लब में लगभग 1000 मेंबर्स हैं। सारे क्लब्स का मिला के आज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मतलब जो इस 7 क्लब के अध्यक्ष होते हैं, सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं, और इस क्लब के अन्य जो ऑफिसर होते हैं एज पर लायंस क्लब इंटरनेशनल, उन सब का स्कूलिंग है। आज जितने भी फैकल्टी आए हैं, ये सब फैकल्टी हमारे विभिन्न जगहों से आए हुए हैं और सब लायंस क्लब इंटरनेशनल से ऑथराइज फैकल्टी हैं, और ये सब सारे क्लब ऑफिसर जो 7 क्लब के हैं उनको स्कूलिंग आज प्रदान करेंगे, उनको बताएंगे उनका रोल्स क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उनसे सब हम लोग आज टारगेट्स लेंगे और उस टारगेट्स को कैसे पूरा करना है, ये सब हम लोग उनको गाइडेंस देंगे। रविवार को गामा थाना क्षेत्र के मालडा पंचायत में एक 10 वर्षीय बच्चा लक्की राज पिता स्वर्गीय संतोष कुमार खेलने के दौरान गिर गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लक्की अपने घर में खेल रहे थे और टेबल से घर के छज्जा पर लटकने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक वे असंतुलित होकर गिर गए। तभी परिजनों एवं ग्रामीणों ने 108 के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गामा लाया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। इधर बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। गिरिडीह जिला प्रशासन के नेतृत्व में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा गांवा प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में नव पुनर्गठित ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला उप विकास आयुक्त महोदय शशिभूषण मेहरा ने कहा कि तीसरी और गांवा प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड चुना गया है। बच्चों से जुड़े समस्याओं का निपटारा और सभी प्रकार की योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन किया जाना है। ऐसे में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सशक्त बनाने का प्रयास सराहनीय है। इनके द्वारा इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के दौरान कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक डॉक्टर संगीता गौर डॉक्टर। ये था हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ, तब तक लीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।